बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज एक और नई प्रोडक्ट के साथ, न्यू तो नहीं है, काफ़ी पुरानी प्रोडक्ट है, आप लोग में से काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ करते ही होंगे। तो उस पर मैंने कहा वीडियो बनाएं और इसके बारे में ये भी मैं आपको बताऊँ, ये वर्थ बाइंग है या नहीं है, या इससे भी अमेजिंग प्रोडक्ट है जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जो इसका मतलब कहते हैं कि बिल्कुल सेम रिजल्ट आएंगे लेकिन आपकी जेब पे बिल्कुल भी वो भारी नहीं पड़ेगी। तो हम बात कर रहे हैं सन स्लिक ब्लैक शाइन की। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं और कई लोगों का मतलब ये फेवरेट शैम्पू भी है, लेकिन सनस्लिक के प्राइस इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। देखिए ये वाला जो सनस्लिक है ना, इसकी प्राइस है 720 रुपीज़। मतलब ये 720 का इतना सा सनस्लिक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप चाहते हैं कि जो सनस्लिक लवर हैं, जो सनस्लिक यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, नो डाउट अच्छा है, ये मैं नहीं कहूँगी कि इसकी कोई बुराई नहीं है, मतलब अच्छा है शैम्पू। तो अगर आप चाहते हैं कि सेम रिज़ल्ट हों और बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर हो, सब कुछ वैसा ही हो, आपके हेयर जैसे स्मूथ शाइनिंग हो जाते हैं, तो आप इसके बजाय आपने लेना है मेकले लंदन का शैम्पू, जो कि आएगा 600 ml 900 का आएगा। सेम बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ऐसा ही होगा, सनस्लिक की तरह होगा। स्मेल का थोड़ा सा वो फ़र्क होता है कि उसकी स्मेल ऐसी नहीं है, इसकी स्मेल अलग है, बस इसके अलावा कोई भी फ़र्क नहीं है। बिल्कुल आपके हेयर उस जैसे इससे शाइनी हो जाते हैं, आपके हेयर स्मूथ हो जाते हैं, और बिल्कुल जैसे इसको यूज़ करने के बाद जैसा आपको फीलिंग आती है ना, सिंपल वे में कहूँगी, और बिल्कुल वैसी फीलिंग आएगी, लेकिन आप खुश हो जाएंगे। 600 ml शैम्पू आपको सिर्फ 900 का मिलेगा। और अब उनकी वेबसाइट पे एक डील चल रही है, जो उनका पिंक वाला शैम्पू जो 600 ml का है, उसके साथ कंडीशनर, मतलब एक पेयर बना के वो लोग सेल कर रहे हैं, उसकी प्राइस है 1220 रुपीज़। मतलब उसमें सेविंग भी है। अब मैंने उनकी वेबसाइट पे देखा तो उनके सारे के सारे कंडीशनर जो है ना, वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, क्योंकि उनके कंडीशनर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है, बजाय और ये जो जितने पाकिस्तानी और जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जितने भी शैम्पू वो भी एक्सपेंसिव है, और इंटरनेशनल जितने भी जो हैं उन प्रोडक्ट को तो आपको बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि आप इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं यूज़ करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूज़ करने से बहुत ज़्यादा नुकसान ही होगा, तो आप ज़रूर से इन चीज़ों का बायकॉट करें। तो मेकले लंदन शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं, उसका जो टेक्स्चर है और उसके जो कंडीशनर है ना, आप यकीन करें डिफरेंट कंडीशनर का आप यूज़ करेंगे, हर कंडीशनर से हेयर फॉल होता है, लेकिन उनके कंडीशनर से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम होता है। तो उनके कंडीशनर की प्राइस भी बहुत कम है, और 600 ml का जो शैम्पू 900 का मिल रहा है, तो और क्या चाहिए आपको। शैम्पू इज़ अ लग्जरी ब्रांड, मतलब लग्जरी आइटम है ना, ब्रांड नहीं आइटम। तो वो अगर आपको एक अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है, लो प्राइस में मिल रही है और सेम रिज़ल्ट है, तो आप स्विच कर लें उसके ऊपर, बजाय कि वही जो घिसा बेटा आप एक यूज़ कर रहे हैं उसी को यूज़ करें। तो ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाई कि ये वर्थ बाइंग है या नहीं है। तो मेरे लिए तो सेम वही चीज़, अगर आपको कम प्राइस में मिल रही है तो वो क्यों ना आप यूज़ करें। तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करें। अगर आप लोग ने अभी तक मेकले लंदन के शैम्पू ट्राई नहीं किए, तो ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा वर्थ बाइंग है, उनसे आपके हेयर की क्वालिटी में भी बहुत फ़र्क पड़ता है और प्राइस में भी कम है। तो ज़रूर से ट्राई करें और अपना फीडबैक बताएं। ये ऑनेस्ट रिव्यू था मेरा, बिल्कुल भी इसलिए मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए बोलने के लिए, बस मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ किसी का फ़ायदा हो, किसी का भला हो जाए, क्योंकि शैम्पू आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो उनके शैम्पू की प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। तो ज़रूर से आप लोग ट्राई करें, जो लोग ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं तो वो लोग ज़रूर अपना फीडबैक बनाएं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ। तो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।